आप जो थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हो वो एक दिन उस पंखे को चला देता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो मेरी मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, मेरी मम्मी मेरे पापा उन दोनों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। नाम रोशन की है, हम लोग के पोती है, हम सब दादी है। रात भर में तो नींद नहीं आया, सो भी नहीं किए, नींद नहीं पड़ा। 2018 में इंटर ये टॉपर थी, सेकंड टॉपर थी और शुरू से ही मेघावी छात्र रही है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने हाल में 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परिणाम घोषित किए हैं। इस इम्तिहान में पटना सिटी की प्रियांगी मेहता ने टॉप किया है। BPSC की इस परीक्षा में पहले 10 टॉपर में 6 लड़कियां हैं। प्रियांगी सोमवार रात से ही ठीक से नहीं सो पाई हैं, लेकिन उन्हें इसका जरा सा गम नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में भी मंगलवार सवेरे से ही प्रियांगी के घर में लोगों का आना जाना लगा है। उस वक्त तो काफी रात हो चुकी थी, मैं सो रही थी, तो मम्मी ने बोला कि अरे तुम टॉप कर गए। मतलब अच्छा मजाक कर रही हो, अचानक से ये कहाँ से आया? तो फिर पापा ने बोला कि किसी ने कॉल किया था मीडिया से कि अच्छा आपकी बेटी टॉप कर गई। तो मैंने बोला फोन दीजिए। उन्होंने फोन दिया तो उन्होंने बोला हाँ आपने टॉप किया है। तो मेरे को डिसबिलीफ, प्रैंक हो रहा है क्या, किसी कोई रिश्तेदार ने मजाक तो नहीं किया मेरे साथ? तो फिर उन्होंने बोला मैं PDF भेजता हूँ। तो मैंने उनका PDF देखा, फिर मैंने खुद BPSC की वेबसाइट विजिट की, वहाँ पे डाउनलोड किया, तब मेरे को हाँ आई वॉज अश्योर्ड कि ठीक है रिजल्ट है। फिर भी मेरे को पूरी रात लगी उस सेटल इन होने में कि हाँ फाइनली यू नो आई हैव मेड इट टू द लिस्ट। पटना सिटी के संदलपुर की रहने वाली प्रियांगी शुरू से ही पढ़ने लिखने में तेज रही। BPSC को टॉप करके अब वो राजस्व अधिकारी के तौर पर काम करेंगी। मेरा पोस्टिंग अभी मतलब मुझे रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट मिली है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसके थ्रू जैसे कि टैक्सेशन और जो फिस्कल पोजीशन होती है स्टेट की, उसका डेवलपमेंट में बहुत क्रूशियल रोल होता है। और जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं दे आर द लिंक इन दैट चेन। तो इफ वी आर ऑनेस्ट, इफ वी आर डूइंग आर वर्क प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, देन डेफिनेटली बिहार विल बी अ डेवलप्ड स्टेट। एंड जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है हमारी, जिसमें बहुत पीछे है, वो पूरी आई वुड से रेवेन्यू एंड टैक्सेशन पे डिपेंडेंट है, बिकॉज इट इंश्योर्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। तो एज अ रेवेन्यू ऑफिसर मुझे लगता है कि मैं उस फील्ड में बहुत स्कोप है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सेल्फ स्टडी पर जोर देने वाली प्रियांगी का ये BPSC का पहला प्रयास था। वो कहती हैं कि करियर का विकल्प चुनने से पहले हम सबको अपने दिल की सुननी चाहिए। जैसे कहते हैं ना आपका इंस्पिरेशन आपके अंदर होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरनली ड्रिवन हूँ। अगर मेरे को इंट्यूशन, आई एम वेरी इंट्यूटिव, यू नो इफ आई फील लाइक दिस इज द राइट वे टू डू इट मैं वही करूँगी, इफ आई डोंट फील लाइक दिस इज द राइट वे टू मैं नहीं करूँगी। तो और बहुत लंबा प्रोसेस था, जैसे मैंने बोला 9-10 से मेरे दिमाग में था, तो मैं ग्रेजुअली रीड करती रहती थी, मैं कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करती रहती थी अपनी रीडिंग राइटिंग। तो धीरे धीरे करते करते यू नो क्यूमुलेटिव वो एक दिन ऐसा रिजल्ट आ गया। बेहद सामान्य घर से ताल्लुक रखने वाली प्रियांगी के दादा राजेश्वर प्रसाद बिहार सरकार के सिंचाई विभाग के कर्मचारी थे। प्रियांगी के पिता मिथिलेश कुमार की कंप्यूटर की रिपेयरिंग की दुकान है। वहीं माँ अर्चना देवी गृहिणी है। तीन बहनों में सबसे बड़ी प्रियांगी अपने खानदान की पहली अफसर बेटियां हैं। पहले से मुझे था कि अच्छी करेंगी, क्योंकि 2018 में इंटर ये टॉपर थी, सेकंड टॉपर थी और शुरू से ही मेघावी छात्र रही हैं, जिनको पढ़ने के लिए कभी बोलना नहीं पड़ता था। इस आधार पर मैंने उम्मीद किया था कि इनका रैंक अच्छा ही आएगा और सामने देखिए रिजल्ट फर्स्ट आ गया, ये बहुत खुशी की बात है। सुबह में उठती है, टहल लेती है छत पर, फिर गाना वाना सुन लेती है, फिर पढ़ती है, फिर नहा हुआ के पूजा वूजा करके फिर खाना वाना खा के फिर सोती है, फिर पढ़ती है, वैसे फिर पढ़ती है सामने, फिर खाना भी मन करता है तो बोले कि मम्मी आज खाना बनाएंगे, खुद खुशी रहती है, खुश रहता रहता है, वो अपने खुद बनाएगी खाना, तो मम्मी हमको आज खाना बना ले दो। खुशी के ना बात है, अब रोना का चीज ना, फेल करती तब ना आदमी रोता है, ये तो खुशी के बात है, ये तो दूसरा देश तब सब आदमी आ रहा है खुशी देख के ना। प्रियांगी आगे चलकर UPSC परीक्षा क्लियर करना चाहती है, लेकिन फिलहाल BPSC की कामयाबी का जश्न मनाने का समय है।